अब बात होगी बिहार में आए बाढ़ से मचे हाहाकार की। बिहार में बाढ़ के चलते हालात बिगड़ गए। 13 जिलों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है, जहां तब आपकी आंखें जाएंगी। जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर सैलाब आ रहा है। नेपाल से सैलाब के अटैक ने बिहार में खतरे का अलार्म बजा दिया। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सहरसा, सुपौल, यहाँ पर हालात सबसे ज्यादा खतरनाक बन गए। लोग अपनी गृहस्थी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। गांव का गांव पलायन हो रहा है। ग्राउंड पर लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। रोते बिलखते लोग एक मदद की आस में वीडियो जारी कर रहे हैं, ताकि शायद कहीं से उन्हें मदद मिल जाए, किसी भी तरह से उनकी जान बच जाए। कोसी नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खेत खलिहान, घर मकान, सड़क, सब कुछ सैलाब की चपेट में है। दूर दूर तक पानी भरने के चलते रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। 15 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। कई बैराजों के गेट खोले जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल से पानी का प्रहार बिना रुके जारी है। सैलाबी तांडव पर अब सियासी पारा भी गर्मा गया। आरजेडी ने बिहार सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगा दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने कहा कि लोग बेहाल हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। हालात ऐसे बन गए कि कोसी बैराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, और इसका असर ये हुआ कि जो निचले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, पूरे के पूरे गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए, जो 56 साल में सबसे ज्यादा है। कोसी बैराज के सारे गेट खोले गए, और इसके बाद उत्तर भारत में भीषण बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। लोग अपनी जमा पूंजी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कोई घर के सामान लेकर अपना भाग रहा है, तो कोई सिलेंडर और बर्तन संभालने में जुटा हुआ है। दरिया में डूबे हुए रास्तों पर रेला लगा हुआ है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोई अपने पशुओं को लेकर निकल रहा है, कोई अपने घर के जरूरी सामानों को लेकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे बिहार में 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ के चलते प्रभावित हैं। कई इलाकों में तो लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। पूरा घर मकान सब कुछ डूब गया है। खेतों में फसल तबाह हो गई है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। तबाही के मंजर की एक एक खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल का पानी बिहार के सुपौल पहुंच गया है, और सुपौल में जब पानी पहुंचा है तो यहाँ की तस्वीर देखिए। यहाँ पर कई गाँव जो है डूब चुके हैं, और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये जितने लोग भी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने घरों को छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि गांव में पानी आ गया है और पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, कई जलकुंभी जो है वो बहती हुई, और इसी में लोग मवेशी लेके भी लौट रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा है उधर। पानी बहुत है सर, जा नहीं पाइएगा। पानी बहुत है सर, जा नहीं पाइएगा सर। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत करेंट ज़्यादा है। पानी का बहाव है, बहु हम लोग मर रहा है, मर रहा है। हाँ हाँ, बहुत फंसा हुआ कई लोग सर। बहुत बुरा हाल है, इससे अंदर में बहुत हो रहा है। बहुत पानी है, बहुत पानी है। लोग फंसे, बहुत लोग फंसे हुए हैं। बच्चे बच्चे छोटे छोटे गए माल सब फंसे हुए हैं। घर घर में पानी है, बहुत पानी है, फंसा हुआ है। ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि उधर से ये लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है। क्या स्थिति है? बहुत पानी है, फुल पानी है उधर। ये गोद में लेकर देखिए, ये जा रहा है बकरी को। ये देखिए, जो सामान लोगों को संभव हो पा रहा है, घर का सामान लेके जा रहे हैं। हाँ, घर को सामान लेके जा रहे हैं बांध पर। और परिवार के लोग? और परिवार के लोग यहाँ पर हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, यहीं पर बहुत लोग फंसे हुए हैं। हाँ, निकल नहीं पा रहे। नहीं, निकल नहीं पा रहे, वहाँ पर रास्ता नहीं है, पानी बहुत लगा हुआ है। कई लोग जो निकल कर आ गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, पानी की धार आगे बढ़ती जा रही है। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है, क्योंकि पानी की धार बहुत तेजी से बढ़ रही है और पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में लोगों के लिए जान बचाना सबसे अभी पहली जरूरत है, जो कुछ संभव हो पा रहा है। ये सामान जितना संभव हुआ ले पाए? हाँ हाँ, ले लिया सामान जो। ये देखिए, महिलाएं किस तरह से बच्चों के साथ मवेशी को लेकर निकल रही हैं। वहां पर कई लोग हैं अभी फंसे? बहुत लोग हैं। लोग बता रहे हैं कि जो निकल सके निकल सके, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए निकलना मुश्किल हो पा रहा है। कई लोग क्या फंस गए हैं उधर? हाँ, अभी फंसे हुए हैं, निकलने का कोशिश कर रहे हैं।